हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2021, जो कि आपका बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी से आया हुआ है। बेसिक से लेके सारे इंपॉर्टेंट डिटेल हम आपको देंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस कर दें। बहुत दिनों से मुझे ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी की रिक्रूटमेंट आई हुई है, मैम इसे प्लीज़ कवर करें। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग खुद बताते हैं कि यहाँ की रिक्रूटमेंट आई है, मैम प्लीज़ कवर करें और कुछ मार्गदर्शन करें। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग ऐसा कुछ कहते हैं, और मैं हमेशा ही रिक्वेस्टेड वीडियो ज़रूर कवर करती हूँ। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे, कवर कर लेते हैं आज की वीडियो फटाफट। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे, बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस टीचिंग पोस्ट। पे स्केल आप देख सकते हैं, प्रोफेसर पे स्केल है आपका लेवल 14। एलिजिबिलिटी यहाँ से वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर पे स्केल 13A, वीडियो पॉज करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर मैट्रिक्स पे स्केल 7CPC ही है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट्स जो होते हैं वो भी अप्लाई करते हैं। बाकी आप एसोसिएट प्रोफेसर ये सभी लोग काफ़ी अनुभवी होते हैं, उन्हें सारी चीज़ें पता ही होती हैं, सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट की खबर होनी चाहिए। अ मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स इन अ कंसर्न रिलीवेंट अलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो मास्टर डिग्री में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, और जहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम है उसे कन्वर्ट करके भी आपका इतना ही होना चाहिए। ग्रेस नहीं लगा होना चाहिए, नहीं लिखा है फिर भी ग्रेस नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में जो है 55% मार्क्स चाहे बिना ग्रेस का होना चाहिए, उसके बाद भी आपका जो डिग्री है वो अंकों वाला है तो भी 55%, ग्रेड वाला है तो कन्वर्ट करके 55% होना चाहिए। ग्रेड से कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपका परसेंटेज में रिजल्ट के पीछे होता है। बिसाइड फुलफिलिंग द एबो क्वालिफिकेशंस, द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट कंडक्टेड बाई द UGC और CSIR। इसके अतिरिक्त आपका नेट क्लियर होना चाहिए, मस्ट हैव राइट, होना ही चाहिए, चाहे UGC चाहे CSIR से जो भी विषय आपका जो भी कंडक्ट करवाते हैं जिसमें भी आता है। सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाय UGC लाइक अ स्लैट सेट, इसी के समकक्ष सेट या स्लैट समकक्ष राज्य से, सॉरी संबंधित राज्य से, मतलब UGC नेट के समकक्ष आप स्लैट और सेट भी हैं और उसी राज्य के हैं, संबंधित राज्य से, जिस राज्य से वैकेंसी है तो सेट और स्लैट भी मान्य है, मगर आप दूसरे राज्य से हैं तो नेट केवल। और हैव बीन अवॉर्डेड अ PhD डिग्री अकॉर्डिंग विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ एमफिल PhD डिग्री रेगुलेशन 2009 और 2016 एंड देयर अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द केस में बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट स्लैट सेट। तो अगर आपने 2009 या 2016 से PhD कर रखी है तो आप नेट स्लैट नहीं भी हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। ये तो थी क्वालिफिकेशन जिसके लिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैम प्लीज़ समझा दीजिए। आइए चलते हैं और फर्दर डिटेल्स को भी कवर कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस डॉक्टर अंबेडकर नगर, आइए। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन रिजर्व एकेडमिक पोस्ट इन द यूनिवर्सिटी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन डाउनलोड द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.brauss.in and submit the completed application form with necessary certificates, photocopy of marksheet etc. तो आप इस वेबसाइट पर जा कर के प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस मैं अभी आपको बता दूंगी, आइए कवर कर लेते हैं फटाफट। बाइफर्केशन करके बहुत ही अच्छे से दिया गया है यहाँ, प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट। मैं सब्जेक्ट बता देती हूँ आपको जिसमें अप्लाई करना है, आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बाद है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, आर्कियोलॉजी,
कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस, स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, हॉर्टिकल्चर इन वेजिटेबल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सोशल साइंसेस, एक्सटेंशन, पब्लिकेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग रेस्पेक्टिवली, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, वुमन स्टडीज, योगा। तो सभी में एक एक पोस्ट है। एब्रीवेशन वगैरह दिया है। रिजर्वेशन फॉर वुमेन विल बी एज पर एमपी गवर्नमेंट रूल्स। रिजर्वेशन ऑफ डिसेबल्ड पीपल विल बी एज पर एमपी गवर्नमेंट रूल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी डिटेल सर्विसेज सर्विस टर्म एंड एप्लीकेशन फॉर्म आर गिवन ऑन द वेबसाइट। ओनली द कैंडिडेट हैविंग द लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाई द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ एमपी गवर्नमेंट विल बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। तो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि संबंधित राज्य वाले ही रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, और अगर दूसरे राज्य से हैं आप, संबंधित है, आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मगर आप उसमें जनरल के लिए फाइट करते हैं। एक चीज़ विशेष मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे बाइफर्केशन में कि ओपन या फिर ऑन रिजर्व के लिए कोई पोस्ट नहीं है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है बैकलॉग की वैकेंसी है। जैसा कि मैंने फर्स्ट लाइन में बताया, रिजर्व एकेडमिक पोस्ट इन द यूनिवर्सिटी, इसलिए यहाँ पे अनरिजर्व के लिए मतलब नहीं है वैकेंसी। तो इस बैकलॉग कैटेगरी के लिए ही ये एडवर्टीजमेंट निकाली गई है। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न था। देखिए ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट बैकलॉग, दैट्स मीन कि यहाँ पे अनरिजर्व या फिर ओपन कैटेगरी के लिए सीट नहीं है, ये एक बैकलॉग एडवर्टीजमेंट है। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे दिख भी रहा है, SC, ST, OBC इन्हीं में सिर्फ और सिर्फ आपके पोस्ट वैकेंट है। तो बैकलॉग वैकेंसी ऐसी ही होती है, ये सिर्फ बैकलॉग का डिटेल यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में है, ये एडवर्टीजमेंट ही बैकलॉग से संबंधित है। बहुत जगहों पे आप देखते हैं कि बैकलॉग एडवर्टीजमेंट में ही एक सेक्शन अलग से बाइफर्केशन करके दिया होता है कि उसमें ओपन कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, मगर इस बाइफर्केशन में ऐसा नहीं है। तो कंफ्यूज होने की ज़रा भी आवश्यकता नहीं है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर वीडियो में आपके सारे कमेंट के जवाब मैं इंक्लूड कर सकूँ, भले ही मैं सेपरेट रिप्लाई ना करूँ मगर मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ और हमेशा ही आपके सारे डाउट को क्लियर करने का प्रयास करती हूँ। आइए चलते हैं और जनरल इंस्ट्रक्शन को फटाफट कवर कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ फी थ्रू स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट विथ डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉन एट एनी नेशनलाइज बैंक फॉर एन अमाउंट ऑफ 500 फॉर SC ST ऑफ मध्य प्रदेश और रेट 100 फॉर OBC ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के OBC के लिए 1000 रुपये और मध्य प्रदेश के SC ST के लिए आपका 500 रुपये है। OBC having domicile certificate of Madhya Pradesh must submit income certificate for last 3 years issued by competent authority. Applicants ensure that their application reach in the university on before the last date 30 April 2021. सबसे ज़्यादा important question, क्या भेजना है? जी हाँ, भेजना है आपको। applicants ensure that their application reaches, आपके application in the university before the last date 30 April, 30 April के पहले ही आपको भेज देना है application. Duly filled application form with demand draft and other supporting copies of certificate and documents should reach to registrar Dr. B.R. Ambedkar University, Social Science, Dr. Ambedkar Nagar, pin 453-441 Indore, MP on before 30 April 2021 by 5:30 PM. 5:30 PM से तक 30 April को हर हाल में संबंधित पता जो मैंने आपको बताया, डॉक्टर B.R. अंबेडकर यूनिवर्सिटी सोशल साइंस डॉक्टर अंबेडकर नगर, ये यहाँ आपका पहुँच जाना चाहिए। कैसे? बाई स्पोर्ट पोस्ट,
by speed post, registered post, applicants receive after the last date will not be entertained. उसके बाद जो है एक्सेप्ट नहीं होगा, मान्य नहीं माना जाएगा, इसलिए आप 30 के पहले ही भेज दें। वेबसाइट आपको फिर से बता देती हूँ, ये देखिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पर है, BRAUSS.in वैकेंसी सेक्शन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं से आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग पोस्ट, एडवर्टीजमेंट कैटेगरी, सब्जेक्ट वाइज एकेडमिक बैकलॉग पोस्ट, जर्नल इंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग पोस्ट, ईच एंड एवरी थिंग, जो भी आपको ज़रूरत है यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस, स्टेट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाई द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, तो लोकेशन आपकी मध्य प्रदेश है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब विद बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।